हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज स्टडी ब्लॉग का डे 25। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है हनुमान चालीसा के साथ, और आज था संडे तो मैंने सोचा आज मीन्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी मैं। तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसका जो भी रिमेनिंग पार्ट था उसको कम्प्लीट किया, एक घंटे का मैंने कम्प्लीट करा है। देन उसके बाद मैंने सोचा कि आज संडे है तो मैं मेन्स पर ज़्यादा फोकस करूँगी, तो मेन्स के लिए मैंने RRBPO मेन्स का मेमोरी बेस्ड पेपर लगाया। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मेन्स की मेरी स्ट्रैटेजी होती कि सबसे पहले मैं रीजनिंग को और क्वांट को बाद में करूं क्योंकि इसमें कंपोजिट टाइम होता है। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश जीए, तो जीए तो ऑफकोर्स मैंने स्किप किया था, रीजनिंग इंग्लिश करा, देन उसके बाद कंप्यूटर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे जो भी मैंने पहले से पढ़ रखे थे, देन उसके बाद रीजनिंग करा, देन लास्ट में क्वांट करा। क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी, मैंने पिछले साल भी 3 मेंस दिए थे तो वहाँ पर मेरी RRBPO में भी मेंस में यही स्ट्रैटेजी थी, मैंने यही एग्जाम में भी फॉलो करी थी। तो इसमें यह रहता है कि आपका जो सब्जेक्ट अगर आप ये टिक मार्क वाले जल्दी कर लेते तो सॉल्व वाले जैसे क्वांट और रीजनिंग रहते तो उसमें आपको टाइम मिल जाता है, अगर आप चाहो तो दूसरे भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरी थी। देन उसके बाद ये है मेरा स्कोर, मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और 83.33 मेरे स्कोर आया है, परसेंटाइल 89 है, एक्यूरेसी 83 हो गई है। इसको 90% करने की मेरी कोशिश है इस बार कि मैं 90% मेंटेन करूं। अगर इंडिविजुअल मार्क्स की बात करूं तो रीजनिंग में मेरे 37.81 मार्क्स आए, मैंने 39 अटेम्प्ट किए थे इसमें, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन 1.25 का होता है तो इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी खराब हुई है, 5 से 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, इतने नहीं होने चाहिए। देन क्वांट में मैंने 18 करे थे, 20.94 आए, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था वो भी सिली मिस्टेक्स की वजह से, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस मैंने पूरा स्किप करा। इंग्लिश में इसकी वोकैब बहुत अच्छी थी इंग्लिश की, तो आप देख सकते हैं स्कोर 17 आया। देन उसके बाद कंप्यूटर जो कि हाफ मार्क्स का रहता है एक क्वेश्चन, तो 11 पॉइंट समथिंग का मैंने अटेम्प्ट करा तो 7 पॉइंट आया, तो वो भी ठीक है। ये है मेरे सोल्यूशन जो भी मैंने करे थे। तो ये रीजनिंग वाला पार्ट आप देख रहे हो, रीजनिंग में ऑलमोस्ट मैंने एक पज़ल, ये वाली में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। इसमें मैंने जो लाइन, अगर आप पज़ल की स्टार्टिंग अगर आप सही से नहीं करते तो वो फिर एंडिंग भी ख़राब होती है, तो इसको मैंने फिर बाद में छोड़ा, इसको मैंने लास्ट में करा था क्वांट सॉल्व करने के बाद। ये दूसरी पज़ल थी, देन उसके बाद ये क्वांट का सेक्शन स्टार्ट हो गया था, रॉन्ग नंबर थी, मिसिंग नंबर थी आई थिंक। देन उसके बाद आप ये देख सकते हो इसमें DI थी, अच्छी थी, DI टफ तो नहीं बोलूँगी पर हाँ थोड़ा कैलकुलेशन था। एक ये वाली थी, एक मैंने इसमें कैसलेट भी बनाई थी, कैसलेट तो इजी थी, काफ़ी इजी थी, बट हाँ कैलकुलेटिव बहुत नहीं थी, लेकिन PO मेंस के हिसाब से ठीक थी। देन उसके बाद जो भी मिसलिनियस क्वेश्चन थे, जो भी एक दो मैंने, दो तीन शायद मैंने वो अर्थमेटिक वाले भी करे हैं 3-4, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट में वो जो पज़ल बची थी रीजनिंग की, तो मैंने फिर से उसको ट्राई किया और एट लास्ट वो बन ही गई, क्योंकि आप इसमें कंपोजिट टाइम रहता तो सेक्शन आप इजीली जंप कर सकते हो। हाँ और अच्छे मार्क्स हो सकते थे, लेकिन इसमें GA के मार्क्स इंक्लूड नहीं है और प्रेशर भी कम रहता है जब आप एग्ज़ाम देते हो हॉल में, वहाँ का प्रेशर और घर का प्रेशर काफ़ी अलग होता है, तो इसको और भी इम्प्रूव करने की मेरी कोशिश है। और साथ में मैंने इसके बाद करंट अफेयर करा था गौरव गर्सल का, तो उनकी मैंने क्लासेज अटेंड करी थी और 300 बेस्ट सीरीज़ का सेकेंड पार्ट देखा था। तो संडे के दिन मैंने इतना ही करा, फिर रेस्ट भी किया क्योंकि अब 7 दिन बराबर पढ़ाई नहीं होती है, कुछ तो रेस्ट भी ज़रूरी है। तो ये था ब्लॉग और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।